थैंक यू। मैंने सारे मास्टर्स से बात कर ली है, नो वन इज रेडी टू रिप्लेस हिम। काफी पॉपुलर है आपके ये पंडित। इसीलिए तो कह रहा हूं, वी हैव टू फाइंड अ वे टू स्टॉप हिम। टीके, प्लीज यू हैव टू स्टे बैक। हम एक फ्यूजन कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड आई नो यू आर वेरी कमिटेड टू एनकरेजिंग न्यू टैलेंट। हाँ, अगर मेरे गुरु ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो मैं शायद किसी इंस्ट्रूमेंट शॉप में रिपेयर कर रहा हूं। वही तो हम ही कह रहे हैं। क्यों, मालिक अपोलोजाइज करेगा, जस्ट स्टे फॉर द कॉन्सर्ट। एक्चुअली उस अपोलॉजी का कोई मतलब नहीं, बिकॉज आई नो वो बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड होगा। नहीं, मानिक दिल से अपोलोजाइज करेगा, आई गारंटी यू। क्यों मैम? वैसे भी आप लोगों के पास स्टूडेंट्स कहाँ हैं इस कॉन्सर्ट को करने के लिए? We have 453 students. I'm sure आप किसी ना किसी को तो ग्रूम कर ही सकते हैं। क्लासिकल म्यूजिक इतना आसान नहीं होता, ये तो एक म्यूजिक स्कूल के ट्रस्टी को पता होना चाहिए। एक साधना है जिसके लिए भूख प्यास नींद सब कुछ भुला के सिर्फ म्यूजिक पे ध्यान रखना। एनीवे, आई हैव अ स्टूडेंट इन माय माइंड, नंदनी मूर्ति। आप उसे कॉलेज में वापस ले लीजिए एंड आई विल कंडक्ट दिस फ्यूजन कॉन्सर्ट। नंदनी मूर्ति इस कॉलेज में वापस नहीं आ रही। ऑफ कोर्स, ये डिसीजन तो आपका होगा मिसेस मल्होत्रा, पर अगर नंदनी इस कॉलेज में नहीं होगी तो ये फ्यूजन कॉन्सर्ट भी नहीं होगा। अरे ध्रुव, कहां जा रहा है तू और क्यों जा रहा है? रहना मेरे साथ यहाँ पे, आई नीड यू। वैसे भी मानिक को अकेला झेलने की शक्ति ना आजकल किसी के पास नहीं है। वो मैं जा रही थी, आई गेस यू गाइस ऑलरेडी नो, सो आई केम टू से बाय। बात नहीं की पर नंदनी, गलत जगह से अपने बाइक की शुरुआत की है। आलिया वुड बी हैप्पी कि तुम जा रही हो।